बुरहानपुर के नेपानगर तहसील के धूलकोट क्षेत्र में दिन दहाड़े अवैध रेत का उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अवैध रेत के भंडारण पर कार्रवाई करने के टीम साथ एसडीएम धूलकोट पहुंची, जहां रोड का निर्माण कार्य करवा रहे ठेकेदार के अवैध रूप से किए गए रेत भंडारण की 200 से 300 ट्रॉली रेत को जब्त करके पंचनामा बनाया गया। इस दौरान पूछताछ में ठेकेदार के कर्मचारी रेत की रॉयल्टी नहीं दिखा पाए। वहीं एसडीएम की इस औचक कार्रवाई से धूलकोट क्षेत्र के खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पर हम लोग वहाँ पहुँचे थे, वहाँ रेत का भंडारण किया गया है। मौके पे वो हमें कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए। उनके सुपरवाइज़र का कहना था कि उनके इंचार्ज जो हैं उनके पास ही सारे दस्तावेज हैं, तो फिलहाल हमने मौके पर पंचनामा बनाया है। उनको नोटिस जारी कर विधिवत कार्रवाई करेंगे, उसमें जाँच होगी और जो भी सामने निकल के तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई की। 200 के लगभग दिखाई दे रही थी, 200 के लगभग ट्रॉली होंगी।